सो ये पैरेलल में सेल्स लगे हुए हैं और यहाँ पर सबका ईएमएफ सेम है ना, सबका ईएमएफ ई के बराबर है। तो एन सेल हमने पैरेलल में लगा रखे हैं, सबका ईएमएफ किसके बराबर है, ई के बराबर है, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सबका कैपिटल आर है, ठीक है। अब अगर हमें इस सेल की जगह एक सेल यूज करना है तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा, एक ही सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, वन सेल का, ओनली वन सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हम लेंगे, ठीक है। तो नेट ईएमएफ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई, क्योंकि यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, ई के बराबर, अगर करंट नहीं फ्लो कर रही है तो टोटल ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ सिंगल सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, है ना। एंड टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, नेट रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर सब के सब पैरेलल में है, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी सपोज आर डैश। आर डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वन अपॉन आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर अप टू एन टर्म्स, क्योंकि एन रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, ठीक है, ऑल एन रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, ठीक है। सो वन अपॉन आर डैश इज इक्वल टू वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर, एंड दिस इज वन अपॉन आर डैश इज इक्वल टू एन बाई आर, इसको सबको सम कर दो, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस डिवाइडेड एन टाइम्स एंड डिवाइडेड बाई आर, दिस विल बी एन बाई आर। तो वन अपॉन आर डैश इज इक्वल टू एन बाई आर, आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर बाई एन, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर बाई एन। नाउ टोटल रेजिस्टेंस फिर क्या हो गया, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर बाई एन आ गया, आर डैश की वैल्यू आर बाई एन आ गई, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है, और करंट इस तरह से फ्लो कर रही है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे करंट तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, आई वन आई टू आई थ्री, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो टोटल करंट सारी करंट का सम के बराबर हो जाएगा, तो यू कैन राइट दिस करंट, दिस टोटल रेजिस्टेंस विल बी आर प्लस आर बाई एन, तो ये कैपिटल आर है और यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि करंट की जो वैल्यू हो गई, अगर इसको सिंगल सेल की तरह ट्रीट करें तो उसका ईएमएफ ई के बराबर होगा और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर बाई एन, आर प्लस स्मॉल आर बाई एन, ओके। सो दिस, अब इसमें भी उसी तरह का एनालिसिस कर लें स्पेशल केसेस। अगर कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर से स्मॉल आर बाई एन, स्मॉल आर बाई एन क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है तो ऑब्वियसली कैपिटल आर को निगलेक्ट कर दोगे, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी ई अपॉन स्मॉल, ये कैपिटल आर को निगलेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत छोटा है, ठीक है, इसको हटा दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्मॉल आर बाई एन, और दैट इज इक्वल टू आई एन ऊपर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एन ई बाई स्मॉल आर। तो ये एन सेल के करंट के बराबर होगी, है ना, यानी एक सेल की जो करंट है, अगर हम सिंगल सेल ले लेंगे, सिंगल सेल का ईएमएफ ई के बराबर है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, एक्सटर्नल कैपिटल आ रहा है, तो एक सेल की करंट कितनी होगी, आई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, हम इसको देख चुके हैं अच्छी तरह से, है ना, आई इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब कैपिटल आर की वैल्यू बहुत कम है तो स्मॉल आर ले लिए, ई बाई आर, तो एक सेल की करंट इतनी आएगी, तो एन सेल की करंट इतनी होगी, तो इसका मतलब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से बहुत कम हो तो हमें कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, ये वाला कॉम्बिनेशन, और ये वाला कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप यू गॉट इट। सो व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, the current due to number of cells connected in parallel combination is n times of current due to a single cell. I hope you got it. ठीक है, n single cell. Okay. तो it is n time of single cell. बाय यार. तो next special case देख लेते हैं. Two. Next case क्या हो जाएगा, जब external resistance स्मॉल आर बाई एन से बहुत ज्यादा हो, व्हेन कैपिटल आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन स्मॉल आर बाई एन, तो उस केस में करंट कितनी हो जाएगी, अगर कैपिटल आर की बहुत वैल्यू ज्यादा है, तो ई अपॉन
दैट इज है ना कैपिटल आर, कैपिटल आर की बहुत वैल्यू ज्यादा है तो इसको निगलेक्ट कर दोगे, अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है एडिशन में निगलेक्ट कर सकते, एडिशन में निगलेक्ट कर सकते. तो दिस इज, तो ये आ जाएगा अगर इसको निगलेक्ट करोगे छोटे वाले को स्मॉल आर बड़े, ठीक है, तो ये आ जाएगा ई अपॉन कैपिटल आर. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. नाउ ये क्या हो गया, ये तो सिंगल सेल की करंट हो गई, तो सिंगल सेल की करंट कितनी हो जाएगी, दैट इज काई इज इक्वल टू ई अपॉन आर. सिंगल सेल की करंट कितनी हो जाएगी, ई अपॉन आर. तो व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, द करंट ड्यू टू नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम एज द करंट ड्यू टू सिंगल सेल. तो इसको इस कंडीशन में यूज नहीं करना चाहिए. तो ये दो केसेस हो गए, फिनिश.